कमाल है इस लड़की की, समझ में नहीं आ रही कहाँ गई। क्या हुआ, मिले क्या? नहीं मिली, आसपास सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं है। यही कही होगी, तुमने अगर ठीक से देखा होता तो शायद। ठीक से देखा मतलब? पागल हूँ मैं, अंधा हूँ मैं, आग में पट्टी बांधकर घूम रहा हूँ। इतनी टेंशन है तुम्हें ना, जाके बाहर ढूंढ लो। अरे बस बस, देखो इसको, ये भी कोई झगड़ने का टाइम है क्या? अरे 4 घंटे हो गए स्कूल छूट के, अभी तक वो घर नहीं आई, अभी हम सीधे पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट। नहीं नहीं आई अभी, इतनी जल्दी नहीं, 1-2 घंटे बाद जाएंगे। माँ मैं हूं या तुम, तुम्हें पता होना चाहिए कहां है वो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्यों, रूल है कोई? बाप की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती? और जिम्मेदारी पर मुझे भाषण मत दो, समझे? अरे बस, संदीप सुजाता 8 घंटे हो गए अभी तक वो आए नहीं, अब मैं खुद जाती हूँ पुलिस में रिपोर्ट करवाने। आई तू थामा, नहीं जा, मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन, तुमको आना है तो आओ। सोचा था एक दिन घर में बैठ के आराम से मैच देखूंगा, लेकिन इसकी वजह से वो श्रुति, श्रुति, श्रुति कहां थी तुम, कहां थी श्रुति? श्रुति तू ठीक तो है ना? हा? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, कहाँ थी इतनी देर तक, जवाब क्यों नहीं देती है? तुझे पता है तेरी वजह से ऑफिस आधे में छोड़कर आना पड़ा है? बाहर जाके देख तेरी उम्र के बच्चे कैसे अपनी केयर करते हैं, और यहाँ तुम सिर्फ मेरी टेंशन बढ़ाना जानती हो। टेंशन तुम्हें? तुमने कभी अपने अलावा किसी की परवाह की है? मैं देखो यहाँ अपना बुटीक छोड़ के आई। बुटीक सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में और तुम्हारे बुटीक के बारे में। इस घर में ना आते ही रोज नया ड्रामा शुरू हो जाता है, इस घर में शांति कभी नहीं मिलेगी। हाँ आ गई महारानी, मुझे टेंशन देके। श्रुति, श्रुति बेटा चल चल कुछ खा ले। हाँ बेटा चल चल। श्रुति, श्रुति, श्रुति फाइनली आइडिया काम आ गया। रोटी कपड़ा और मकान की बुनियादी जरूरतों के अलावा इंसान की और भी कई जरूरतें होती हैं, और इनमें मुख्य हैं प्यार, संवेदना, स्वीकृति, तवज्जो। कोई इंसान ये नहीं चाहता कि दूसरे उसे अनदेखा करें, नजरअंदाज करें। बच्चों में ये प्रेम और स्वीकृति की चाह और भी तीव्र होती है। पैदा होते ही बच्चा यह जान जाता है कि माँ का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे रोने की आवश्यकता है। क्या श्रुति का गायब होना अपने परिवार का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने का एक प्रयास था? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ थी कि श्रुति का परिवार कोई साधारण परिवार नहीं था। अपने संबंधों के बीच की जटिलताओं और उनके परिणामों से ये खुद बेखबर थे। श्रुति अब तक घर नहीं आई फिर से। चलो कोई बात नहीं, स्कूल छूटे अभी 4 घंटे हुए, पिछली बार भी 8 बजे आई थी, आ जाएगी। अरे पन क्या आई, पानी पीने दे मुझे। टीवी देख रहे हो, 8:30 बज गए, इस लड़की का पता नहीं, आने दो उसे, उसकी टांगे तोड़ के रख दूंगी। वैसे लास्ट टाइम कहाँ भटक रही थी कुछ पता है? तुमने नहीं पूछा था क्या? मुझे लगा तुमने पूछा होगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पर लादने की पुरानी आदत है तुम्हारी। क्या कहा तुमने, फिर से कहो। एक बार में सुना नहीं ठीक से? तो नाम? श्रुति नाइक। उम्र? 16 साल। बच्ची का मानसिक संतुलन कैसा था? I mean, डिप्रेशन वगैरह में तो नहीं? हाँ,
पहले तो वो बहुत उदास थी। घर में किसी ने उसे डांटा था? माँ बाप के बीच लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ हुआ था? उसके माँ बाप डिवोर्स लेने वाले हैं। तो इसी वजह से तो वो घर छोड़ के नहीं गई, मेरा मतलब ये टेंशन वगैरह सब दूर जाने के लिए। शायद होगा साहब। आपको अपनी बेटी की कुछ भी नहीं पड़ी जो इनको रिपोर्ट लिखवाने आना पड़ा? सर नहीं, वो हमें नहीं पता था कि आई आपके यहाँ, और वैसे भी लास्ट टाइम श्रुति घर वापस आ गई थी। श्रुति कहाँ थी तुम? तो हमें लगा कि इस बार भी वो घर वापस आ जाएगी। हाँ सर, वो पहले भी ऐसा कर चुकी है, मतलब एक बार और वो घर से जा चुकी है। तो क्यों भागी थी वो घर से? सर वो मतलब सर एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता। और वापस आने के बाद आप लोगों ने पूछा भी नहीं होगा। कमाल की फैमिली है। इन्होंने बताया कि लड़की के पास अपना मोबाइल फोन नहीं है। जी बच्चे बिगड़ जाते हैं ना सर, इसीलिए हमने उसे फोन नहीं दिया। उसके बिगड़ने की इतनी परवाह थी तो थोड़ा वक्त निकाल के उसे देख लेती क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि लड़की घर से खुद भागी। एक कांस्टेबल हमारा आपके घर के बाहर रहेगा। अगर कोई रैंसम कॉल आए या श्रुति का खुद का कोई फोन वगैरह आए तो आप तुरंत हमें इन्फॉर्म कीजिए। जी। और श्रुति के एक लेटेस्ट फोटो चाहिए। दूर से ही सही, लेकिन माता पिता का अपने बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल होना बेहद जरूरी है। काश कि श्रुति के माता पिता उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से वाकिफ होते तो शायद आज उसे ढूंढने में आसानी होती, और क्या पता श्रुति के गायब होने की नौबत ही ना आती। माँ बाप द्वारा कोई जानकारी ना मिलने पर पुलिस को श्रुति के स्कूल की तरफ अपना रुख करना पड़ा। सर ये श्रुति के फ्रेंड्स हैं, दिशा, नीति और अनन्या। सर कल तक श्रुति एकदम ठीक थी। श्रुति को कोई टेंशन थी? आई मीन ऐसी कुछ इम्पोर्टेंट बात जो उसने आपसे बताई हो? नहीं सर, लेकिन स्कूल शुरू हुआ तब वो थोड़ी सी उदास जरूर थी। क्यों? सर उसके मॉम डैड का डिवोर्स होने वाला है, सो दैट्स व्हाई। सर वो नहीं चाहती थी कि उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो। वो ये बात हमें हमेशा बताती थी। जब स्कूल खत्म होने वाला था तब तक शी वाज टोटली फाइन। अच्छा ये जो डिवोर्स वाली बात तुम बता रही हो जिससे उसे स्ट्रेस था, तुम्हें क्या लगता है उस वजह से वो घर छोड़ के भागी हो? कभी कहा कुछ उसने तुमसे? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा उसने। अच्छा ये बताओ श्रुति इससे पहले भी एक बार घर से भागी थी लेकिन रात को घर वापस आ गई थी, उसके बारे में कुछ जानते हो? ये रहे आखिरी सीसीटीवी फुटेज। श्रुति के घर के जस्ट पहले एक ज्वेलरी शॉप है, वहां से स्कूल और स्कूल से घर, वहां की ये लास्ट फुटेज। यानी श्रुति किसी भी सीसीटीवी में नहीं दिखी। सर सिंगल कैमरा, एटीएम, आसपास के लोगों सभी से पूछताछ की, इवन फुटेज को भी दोबारा चेक किया लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। हेलो कहां से बात कर रहे? श्रुति नायक के स्कूल से। एक्चुअली जब आप लोगों ने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछे थे तो हमने आपको एक बात नहीं बताई थी। क्या? एक्चुअली जब आप लोगों ने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछे थे तो हमने आपको एक बात नहीं बताई थी। क्या? सर जब श्रुति घर से भागी थी तो वो हमारे साथ ही थी, और उसे घर से भागने का आइडिया भी हमने ही दिया था। स्कूल से निकल के दो दो घंटे वो हम तीनों के घर रही और फिर वो अपने घर गए। तुम्हें पता नहीं ये सब कितना खतरनाक है, आखिर ऐसा आइडिया क्यों दिया तुमने? सर वो खुद ही बार बार बोलती थी कि उसके घर पे उसकी कोई परवाह नहीं करता। सर मैंने अंकल आंटी को लड़ते हुए सुना था। मुझे लगा जब मॉम डैड का डिवोर्स होगा तो वो लोग मुझे फोर्स करेंगे,
दोनों में से किसी एक को चूज करने के लिए, पर कल रात मैंने उन दोनों को फाइट करते हुए सुना। वो दोनों ही मुझे नहीं चाहते, पता नहीं कोई मुझे अपने पास रखना क्यों नहीं चाहता। सर, श्रुति अपने मम्मी पापा का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी, जिसमें वो कामयाब भी हो गई थी। यस, फाइनली आइडिया काम आ गया। और कुछ ऐसा है जो तुमने हमें नहीं बताया? देखो, श्रुति की जिंदगी खतरे में हो सकती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो फिर से गायब हो गई है और हमें नहीं पता वो कहाँ है और कैसी है। कोई छोटी से छोटी बात भी हमारे काम आ सकती है। नहीं सर, बस यही एक बात थी। अजीब बात है सर, ज्यादातर डाइवोर्स के केस में पेरेंट्स बच्चे की कस्टडी के लिए लड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल ही उल्टा है। दोनों ही बच्चे से छुटकारा पाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हमें हेलो सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डेंटल एनालिसिस रिपोर्ट से पता चला है कि बॉडी श्रुति की है। सर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया, साथ ही साथ बॉडी पर कई छोटी मोटी इंजरीज भी हैं। सर रिपोर्ट के हिसाब से बॉडी के फेफड़ों पे धुआं मिला। सर इसका मतलब यह हुआ कि जब श्रुति को जलाया जा रहा था वो जिंदा थी। सर बॉडी इतनी बुरी तरह से जल चुकी है कि रेप हुआ है कि नहीं ये नहीं बताया जा सकता। जिंदा जलाया गया, लगता है श्रुति से किसी ने गहरी दुश्मनी निकाली, या फिर उसके माँ बाप से। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। मतलब ये दुश्मनी झगड़ा ये सब मेरे श्रुति में था ही नहीं, किसी ने मेरे श्रुति को इतनी बेरहमी से। खुद को संभालिए। सर मैं रतन सिंह हूँ और यहाँ पड़ोस में रहता हूँ, और ये मेरी बीवी शालिनी। सर ये श्रुति के नाम की रिसिप्ट मिली है और ये चार्जर भी मिला है। ये चार्जर आपका है? नहीं, ये मेरा तो नहीं है। मेरा भी नहीं है। श्रुति के पास जब फोन नहीं था तो ये चार्जर कहाँ से आया? एजी ऑनलाइन वेंचर्स का आपने नाम सुना है कभी? श्रुति ने जिक्र किया हो? एजी ऑनलाइन वेंचर्स? नहीं, मुझसे तो कोई जिक्र नहीं किया। 60,000 रुपए की रिसिप्ट है। 60,000? एक बार श्रुति ने मुझसे पैसे मांगे थे 60,000। मगर उसको इतने पैसे क्यों चाहिए थे? उसे नौकरी करने के लिए चाहिए थे। नौकरी के लिए 60,000? उसे डर था अब ये दोनों डिवोर्स के बाद उसे छोड़ देंगे, इसीलिए वो काम करना चाहती थी। मैंने उसे समझाया। पर मंथ 75,000 की नौकरी है, फिर मॉम डैड से पैसे मांगने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन बेटा 60,000 रुपए, इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं, मैं कहाँ से दूँ तुझे? जब आप में से किसी ने उसे पैसे नहीं दिए तो ये 60,000 रुपए उसके पास आया कहाँ से? सर रिसिप्ट पे जो एड्रेस था वो फेक है, यहाँ एजी ऑनलाइन वेंजर नाम से कोई भी बिजनेस नहीं है। कदम, मुझे लगता है ये कंपनी भी फेक है और उसने अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी से श्रुति को झांसे में लिया हो। साइबर सेल से कांटेक्ट करो और उन्हें ढूंढ निकालो। ओके सर। आदिल भाई, पुलिस। तू ही आदिल है? हाँ सर। मुझे बस इस लड़की के बारे में पूछताछ करनी है, जानता है इसे? इस लड़की ने जॉब के लिए कांटेक्ट किया था मुझे सर। इसकी एज तो 16 साल है। पता नहीं सर, फॉर्म तो उसी ने भरा है। ये देखिए सर, फोटो भी उसकी, श्रुति नायक, एज 19, गोरेगांव वेस्ट। इसी लड़की ने तुझे 60,000 रुपए दिए थे? हाँ सर। पक्का यकीन है? हाँ सर, रेस्टोरेंट में मिला था मेरे। और पैसे लेने के बाद तूने उसे मार दिया, क्यों? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर, बस वो चली गई और फिर दोबारा नहीं मिली सर मुझे। अपन पकड़ इसे।
क्या पूछा मैंने? पैसे लेने के बाद फिर से श्रुति से मिला था, फेक जॉब रैकेट के चक्कर में मार दिया लड़की को। नहीं सर, दोबारा नहीं मिला, उल्टा वही रोज मुझे फोन करती थी, मैसेज करती थी, मेल करती थी, पूछती थी जॉब कब शुरू होगी, सॉफ्टवेयर कब मिलेगा वगैरह वगैरह। अब जब मैंने उससे रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया तो मुझे धमकी देने लगी कि पुलिस में जाएगी। पुलिस में जाने की धमकी दी इसलिए तूने उसे मार दी? नहीं सर, लोगों को चूना लगाना एक बात है, लेकिन मर्डर नहीं सर। श्रुति जॉब करना चाहती थी क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो जाएगा तो वो उसे छोड़ देंगे, और वो अपने घर का एड्रेस नहीं दे सकती थी, इसीलिए उसने मेरे घर का एड्रेस दिया। और ये जॉब पाने के लिए उसने 60,000 रुपए दिए? यस सर, लेकिन पैसे देने के बाद भी वो काफी परेशान थी क्योंकि उस ऑफिस से ना तो कोई कॉल आया और ना ही कोई मेल। श्रुति के पास इतना पैसा कहाँ से आया? उसकी दादी ने दिए, श्रुति ने बताया मुझे। जिस नंबर से तुझे श्रुति के फोन और मैसेज आते थे वो नंबर बता। सर नंबर तो याद नहीं है, शायद मोबाइल में होगा। ये तेरे कॉल रिकॉर्ड्स हैं, इसमें देख के बता। सर सर पूरा नंबर याद नहीं है, पर शायद यही नंबर है 740। सर श्रुति के फोन के ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड आ गए। सर ये रहा श्रुति का स्कूल और ये उसका घर। श्रुति इस रास्ते की बजाय इस रास्ते पर गई, GCC बिजनेस एंड होटल क्लब, और इसी जगह उसका फोन आखिरी बार ट्रेस हुआ। हमने आसपास लोगों से पूछताछ भी की लेकिन किसी ने कुछ देखा नहीं। सर प्रॉब्लम यह है कि इतने बड़े एरिया में अगर श्रुति का फोन कहीं पड़ा भी होगा तो उसे ढूंढ पाना इम्पॉसिबल। क्या सोच रहे हैं सर? चार्जर। सर ये श्रुति के नाम की रिसिप्ट मिली है और ये चार्जर भी मिला। वो मोबाइल फोन का चार्जर, लेट्स जस्ट होप कि वो चार्जर ओरिजिनल हो, मेरा मतलब है उस फोन के साथ उसी बॉक्स में आया। उस चार्जर पे छपे नंबर के जरिए हम उस दुकान तक पहुंच सकते हैं जहां से वो फोन खरीदा। ये रहा पैकेज का स्टॉक नंबर और फोन का IMI नंबर, चेक करके बताइए फोन किसने खरीदा था। साहब कैश से खरीदा होगा तो बताना मुश्किल है, अगर कार्ड वापरा रहेगा तो पता चल सकता है। फिर भी आप देखिए। ठीक है मैं चेक करता हूँ। ये रहा मोबाइल का डुप्लीकेट बिल, क्रेडिट कार्ड ही वापरा है। सर मोबाइल शॉप में पूछताछ करके पता चला है कि फोन क्रेडिट कार्ड से खरीदा गया, और जब मैंने क्रेडिट कार्ड की डिटेल निकाली तो कोई रतन सिंघल का नाम सामने आया। सर ये रतन सिंघल वही है जो श्रुति के पड़ोस में रहता है। सर मैं रतन हूँ और यहाँ पड़ोस में ही रहता हूँ। सर आप आइए ना, आइए सर, आप बैठिए मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ सर उसके पास चार्जर कहाँ से आया ये तो मुझे मालूम नहीं, पर सर इसमें ताज्जुब की क्या बात है, उसका तो अक्सर हमारे घर में आना जाना लगा ही रहता था, हो सकता है जाने अनजाने वो ले गई होगी चार्जर। श्रुति आपके घर क्यों आती? दरअसल हमारी कोई औलाद नहीं है और वो जब यहाँ आती थी तो अच्छा लगता था। आखिरी बार कब मिले आप श्रुति से? काफी टाइम हो गया ना। हाँ अचानक ही आना उसने बंद कर दिया। अच्छा वो फोन दिखाई ना। फोन जो आपने खरीदा था जिसका चार्जर श्रुति ले गई। अच्छा वो फोन सर मेरा चोरी हो गया या शायद मुझसे कहीं गुम हो गया। सर अक्सर मुझसे ऐसा हो जाता है। जी सर इनका तो कोई भी फोन ज्यादा दिनों तक टिका ही नहीं है। सर दोनों ही मियां बीवी काफी घबराए हुए लग रहे थे, बीवी किचन से बार बार झांक भी रही थी, ऐसा लग रहा था काफी डरी हुई। दोनों के बारे में पूछताछ करो, पता करो इनके संबंध श्रुति के साथ में कैसे। ओके सर। रतन सिंघल साहब सब सोसाइटी में कहते हैं कि वो जेंटलमैन है, वो कोई जेंटलमैन मेंटलमैन नहीं है। मैंने तो पहले ही मिस्टर मिसेस नायक को बोला था श्रुति को उस पास मत भेजो, अच्छे लोग नहीं है, पर जब देखो श्रुति उन्हीं के घर आती जाती थी। उस दिन मैं सिंघल साहब के घर के बाहर से जा रहा था तो देखा तो सिंघल साहब के घर के बाहर श्रुति निकली और रोती हुई अपने घर की तरफ भाग रही थी और थोड़ी डरी हुई थी, घबराई हुई थी।
मैं गया था एक बार स्विमिंग पूल पे, तो देखा सिंगल साहब ने श्रुति को मोबाइल दिया। मोबाइल देखकर श्रुति इतनी खुश हुई कि सिंगल साहब को गले से लगा लिया। उसके बाद क्या हुआ? सर कुछ भी नहीं, थोड़ी बहुत देर बातें की और फिर वो चले गए। मैं अपने काम में लगा रहा। सर सर पूछताछ से पता चला है कि सिंगल ने ही श्रुति को मोबाइल दिया था। ये सिंगल और श्रुति के बीच में जो कुछ चल रहा था थोड़ा अजीब तो है। सिंगल ने श्रुति को फोन खरीद के दिया और वो 60,000 रुपये श्रुति के माँ बाप या दादी ने नहीं दिए। सिंगल का बैंक स्टेटमेंट निकलवाओ। चलो। सर आपका अंदाजा सही था, सिंगल ने ही श्रुति को पैसे दिए थे, ये उसके बैंक स्टेटमेंट है। सर नोटबंदी के समय बड़े बड़े अमाउंट निकालना तो मुश्किल था, इसलिए उसने अलग अलग 3 अकाउंट का यूज किया। 24,000 के 2 विड्रॉ बैंक के थ्रू और 12,000 रुपये का विड्रॉ ATM के थ्रू, ठीक उसी डेट के एक दिन पहले जो डेट रिसिप्ट पर मेंशन थी। अचानक इतना कैश विड्रॉ करने की उसे क्या जरूरत पड़ गई? तो गड़बड़ है कदम, बुला उसको। क्या चल क्या रहा था तुम दोनों के बीच? नाबालिग लड़की के अकेलेपन का फायदा उठा रहे थे, गिफ्ट पैसे दे के उसको ललचा रहे थे, फिर उसका रेप कर दिया और उसे जला दिया। सर प्लीज प्लीज सर मुझे मार लीजिए, मुझे जितनी गालियां देनी है दे दीजिए सर, पर इतना गिरा हुआ इल्जाम मुझ पर मत लगाइए। मुझे कभी औलाद का सुख मिला ही नहीं और माँ बाप होती हो भी एक बच्ची अनाथों की तरह पल रही थी। डाइवोर्स के बाद दोनों माँ बाप में से कोई भी श्रुति की कस्टडी नहीं लेना चाहता था। मुझे दादी से सब कुछ पता चल जाता था। मैं मानता हूँ सर कि मैंने उसे मोबाइल लेके दिया, लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए, ताकि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो वो घर कॉन्टेक्ट कर सके। और सर जॉब के लिए पैसे मैंने उसे बहुत समझाया था। देखो बेटा, कोई भी जॉब इस तरह से एप्लीकेंट से पैसे नहीं मांगता। मेरे ख्याल से अगर तुम पता कर। अंकल प्लीज, मॉम डैड कभी भी अलग हो सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। मुझे अपने और आजी के लिए पैसे अर्न करने हैं। मुझे ऐसी जॉब वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी कोई भरोसा नहीं है, प्लीज अंकल। ये लो। थैंक यू अंकल। परिवार में प्यार और स्वीकृति ना मिलने पर बच्चे उन चीजों की अपेक्षा गैरों से करने लगते हैं, उन्हें बाहरी दुनिया में ढूंढने लगते हैं। काश कि श्रुति को घर में ही प्यार और समर्थन मिला होता तो आदिल और रतन जैसे लोगों के संपर्क में ना आती। तलाक में उलझे पति पत्नी अक्सर बच्चों पर अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, लेकिन यहाँ श्रुति के माता पिता उसकी जिम्मेदारी लेने से बचना चाहते थे। पुलिस को ये बात खटकी और उन्होंने अपनी जांच इस दिशा में मोड़ दी। हाँ, दोनों को छुटकारा चाहिए था श्रुति से। क्यों? संदीप को बच्चा चाहिए था और सुजाता माँ नहीं बनना चाहती थी, फिर भी संदीप ने पोस्ट किया और श्रुति पैदा हुई। लड़की के पैदा होते ही माँ बाप एक दूसरे से दूर चले गए। प्रॉब्लम तो श्रुति का था ना, संदीप उसे बड़ा करना चाहता था ना सुजाता। और मैं कब तक जीऊंगी उसे ही मालूम। सर माँ बाप के पास भी मोटिव हो सकता है, दोनों ही एक दूसरे से नफरत करते थे और दोनों ही श्रुति की कस्टडी से इनकार कर रहे हैं। बुलाओ दोनों को पुलिस स्टेशन। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? सर मैं माँ हूँ उसकी और आप मुझ पे ही। दुनिया में होने वाले 100 मर्डर में से 14 मर्डर बच्चों के होते हैं, जिसमें से 55% बाप के हाथों होते हैं और 45% माँ के। माँ बाप होने का ये मतलब नहीं कि आप शक के दायरे से बाहर हो जाएंगे। हाँ तो शक करिए, सुजाता पे शक करिए, उसको तो श्रुति की परवाह भी नहीं थी। मैं तो फिर भी परवाह करता था। तो संदीप को श्रुति की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन संदीप ने गुस्से में आके अपने बेटी को गाड़ी में बिठा के दहीसर तक लेके गए और उसे वही छोड़ दिया। सर उस वक्त श्रुति 8 साल की थी, कौन सा बाप अपनी बेटी को इस तरह। हाँ मैं मानता हूँ वो मेरी गलती थी और मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट भी की। बाद में मैं उसे ढूंढ कर लाया था, वो नहीं गई थी ढूंढने के लिए, उसे तो जरा भी परवाह नहीं थी। क्या उम्र होगी तुम्हारी बेटी श्रुति नायक? क्या उम्र होगी उसकी? 15 साल 16 साल 16 साल। ये देख तेरे फोन रिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड के हिसाब से जिस दिन श्रुति का मर्डर हुआ और जहां उसकी बॉडी मिली, तेरी लोकेशन केवल 800 मीटर दूर। कितनी दूर? 800 मीटर। अब सीधे सीधे बोलना चालू कर वरना ऐसा धोऊंगा ना दबाटे। नहीं नहीं, आप लोग जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। मैं वहां पर था जरूर, लेकिन उसकी वजह कुछ और थी। क्या वजह थी? दरअसल वहां से थोड़ी दूर पर मेरे दोस्त का ऑफिस, मेरा दोस्त वकील है। वकील के पास क्यों जाता था?
डाइवोर्स के चक्कर? नहीं, प्रॉपर्टी के लिए। दरअसल मैं नहीं चाहता था कि सुजाता को मेरे प्रॉपर्टी से कुछ भी हिस्सा मिले, इसलिए मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने माँ के नाम पर कर दी थी। बस संदीप से मिली जानकारी को जांच परख कर सत्यापित किया गया। उसका बयान सच साबित हुआ। पुलिस अब भी संदिग्धों की तलाश में थी, कोई ऐसा जिसे श्रुति से नफरत हो, दुश्मनी हो। लगता है श्रुति से किसी ने गहरी दुश्मनी निकाली। परिवार से जुड़ी जांच विफल होने पर पुलिस ने अपना रुख श्रुति के स्कूल की तरफ किया। हम सबको तो अब भी विश्वास नहीं होता कि श्रुति के साथ इतना बुरा हुआ। She was a very good girl. क्या कभी श्रुति की किसी से लड़ाई हुई थी? सर वो एक बार अनन्या ने श्रुति को थप्पड़ मारा था। सर वो तो एक स्टूपिड सी फाइट थी, श्रुति को गलती से लग गई थी। मैंने उसे सॉरी भी बोला था। सर श्रुति से कोई बात करना पसंद नहीं करता था, सब उसे साइको साइको करके चिढ़ाते थे। लेकिन जब मैंने उससे बात करना शुरू किया तो मुझे पता चला दैट शी इज अ वेरी नाइस गर्ल। सर उस फाइट के बाद मैं और श्रुति बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। यही लड़की थी? हाँ ये लड़की थी सर। सर जिसको पहचान कर रहा था वो। मेरा ध्यान तब गया जब वो लड़की चिल्लाई। तुम्हें उस आदमी की शक्ल याद है? हाँ सर याद है ना। ठीक है तुम लोग जाओ। ठीक है आप जा सकते हैं। ये वही आदमी है जो उसे श्रुति की माँ के साथ पुलिस स्टेशन आया था। चिंतन झूठ बोलने की कोशिश मत कर। श्रुति के स्कूल में क्या कर रहा था तू? वॉचमैन ने सब बता दिया है। मैं सर वो तो सुजाता का आइडिया था। सुजाता ने मुझसे कहा था कि मैं श्रुति को स्कूल से पिक कर लूं। सुजाता को डर था कि कोर्ट श्रुति की कस्टडी उसी को देगी, इसलिए वो चाहती थी कि श्रुति और मेरे बीच एक रेपो हो जाए, इसलिए मैं श्रुति को वहाँ पर स्कूल में लेने गया था। सिर्फ इसको पिक करने गया था तो स्कूल के बाहर हंगामा करने की क्या जरूरत है? सुजाता ने मुझे कहा था कि श्रुति बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की है, पर जब मैं उससे मिला तो उसका व्यवहार देखकर मैं दंग रह गया। वो काफ़ी बदतमीजी से पेश आई मुझसे, तो ऐसा लगता था कि उसके माँ बाप के अलग होने का जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर वो मुझसे ही धक्का मुक्की करने लगी। आवेश में आकर मेरा भी हाथ उठ गया उस पर। सर हो सकता है कि चिंतन और सुजाता मिले हों। माँ के साथ होने से श्रुति को किडनैप करना और भी आसान हो गया। हो सकता है कि पहले श्रुति को किडनैप किया हो फिर मौका पाकर उसे मार दिया। चिंतन सुजाता और अनन्या सेठी, चिंतन और सुजाता के कॉल रिकॉर्ड निकालो और अनन्या के बारे में पूछता है। ओके सर। सर अनन्या तो बहुत ही सुलझी हुई लड़की है, किसी और स्टूडेंट को नुकसान पहुंचाना इट्स इम्पॉसिबल। अनन्या और श्रुति तो बेस्ट फ्रेंड्स थे, जब देखो साथ में ही घूमते रहते थे। पहले श्रुति की कोई दोस्त नहीं थी, अकेली ही रहा करती थी ऑकवर्ड सी। अनन्या पहली एक स्टूडेंट थी जिसने श्रुति से दोस्ती की थी। साहब अनन्या सही टाइम पे घर आ गई थी साहब, फिर घर पे ही थी, थोड़ी देर आराम की साहब, फिर पढ़ाई करने लगी साहब। सर जिस दिन श्रुति गायब हुई और जिस दिन उसकी बॉडी मिली, उन दोनों ही दिन की अनन्या की मूवमेंट मैंने ट्रेस की। सर उसने जो बयान दिया था वो उससे मैच खाता है, और सर स्कूल और आसपास के लोगों से पूछताछ करके पता चला वो क्लियर। सर मुझे लगता नहीं कि अनन्या इस केस में इन्वॉल्व। और चिंतन? सर चिंतन और सुजाता इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, दोनों के फोन रिकॉर्ड क्लियर, ना तो वो स्कूल में थे और ना ही क्राइम सीन के आसपास। एक विस्तृत और पेचीदा जांच के बाद पुलिस इस मकाम तक पहुंच पाई थी। संदिग्ध कई थे, श्रुति का पड़ोसी रतन, रतन की पत्नी आदिल, श्रुति का पिता संदीप और चिंतन, लेकिन ठोस सबूत की कमी थी। पुलिस ने एक बार फिर से शुरुआती तथ्यों को खंगालना शुरू किया। आखिर कौन था श्रुति का कातिल और क्यों किसी ने श्रुति जैसी सीधी सादी लड़की को इतनी बेरहमी से मारा? रतन, शालिनी, आदिल, संदीप और चिंतन, इनमें से किसी के भी खिलाफ अभी तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं। बस इतना कंफर्म है कि जिस वक्त श्रुति का मोबाइल फोन स्विच ऑफ हुआ इनमें से कोई भी उसके पास नहीं था।
तो क्या इस दौरान कोई और उसके साथ था जो अब तक हमारी नजर से बच गए? सर इस काम में तो एग्जैक्टली कदम सारे सीसीटीवी फुटेज को एक्सटेंसिवली सर्च करना होगा। उस रूट पे जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं, चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल के हों चाहे प्राइवेट हो, सबके सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से देखना होगा। मैं जानता हूँ ये काम थोड़ा मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। ओके सर। पुलिस के लिए काम बहुत चुनौती भरा था। उन लोगों ने श्रुति के स्कूल से लेकर उसके घर तक के सभी जगहों के सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू किया। श्रुति के कातिल तक पहुंचने का बस यही एक रास्ता बचा था, क्योंकि संदिग्ध कई थे लेकिन किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। तकरीबन 300 सीसीटीवी की फुटेज चेक की गई और इसी बीच पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जो इस केस का रुख बदल सकता था। सर ये देखिए, इस कार में कोई उसी स्कूल ड्रेस में बैठी है। ये देखिए सर, श्रुति हो सकती है लेकिन साफ साफ कुछ नजर नहीं आ रहा, इसलिए कंफर्म नहीं बोल सकता। पता करो अब ये गाड़ी किसकी है। ओके सर। ये तुम्हारी कार है ना? हाँ सर, ये तो मेरी कार है। एक्चुअली मैं नीति को स्कूल से पिकअप करके ला रहा हूँ। तुम्हारी बहन नीति एसटीसी स्कूल में पढ़ती है ना? यस सर। इसे श्रुति नायक को जानते हो? श्रुति नायक? नो सर। हम नीति से बात करना चाहते हैं। नीति से? आपकी बेटी से मैं इससे पहले दो बार मिल चुका हूँ, है ना नीति? यस सर। श्रुति तुम्हारे ही ग्रुप में थी? हाँ सर, श्रुति, दिशा, मैं और अनन्या, अनन्या सेठी। यस सर। उस दिन घर आते वक्त तुमने श्रुति को कहीं देखा था? नहीं तो। ये देखिए सर, इस कार के और फुटेज चेक किए और कोइंसिडेंसली जहां श्रुति का फोन स्विच ऑफ हुआ ये कार वहां पर भी लोकेट हुई। क्या कर रहा था और क्यों? तो एक्चुअली गाड़ी चलाते चलाते सांस अटकने लगी, ब्रेथलेस फील करने लगा था। सोचा कि अटैक आने से पहले इनहेलर खरीद लेता हूँ। मैं सिर्फ दवाई खरीदने वाला था, ऐसा कुछ प्लान नहीं था मेरा सर। 10 सेकंड जय, गाड़ी को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज, हाई प्रायोरिटी। ओके सर। सर क्या अपडेट? सर दो बातें पता चली। ऑटो सर्विस सेंटर की रिसीट सर, मर्डर के अगले ही दिन गाड़ी वॉश के लिए गई थी, गाड़ी को अच्छी तरह से धो दिया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से गाड़ी की डिग्गी में खून के निशान मिले और गाड़ी की बैक सीट पर बाल मिले। सर खून के निशान और बाल दोनों ही श्रुति के। ग्रेट, बालों का होना तो जस्टिफाई कर सकता है, खून को कैसे झुटलाया? उसके घर का सर्च वारंट निकलवा। ओके सर। देख जाए झूठ बोलने की कोशिश मत कर, हमने इस निशान की टेस्टिंग करवाई है और डीएनए एनालिसिस रिपोर्ट भी निकलवाई है। पता चला है कि ये निशान खून का और ये खून श्रुति का। तो सीधे सीधे बोल कि तूने ये सब क्यों किया। तेरी बहन की दोस्त 16 साल की थी, अफेयर था उससे, यूज करता था उसको, रेप किया तूने उसका? नहीं नहीं, पिछाट पिछाट। नहीं सर, मैंने उसका कोई रेप नहीं किया सर, मैं तो उसे जानता तक नहीं था, मैंने ये सब अपने लिए थोड़ी ना किया। सर किसके लिए किया? मैं उदास थी क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड अनन्या किसी और की बेस्ट फ्रेंड बन गई थी, श्रुति की। नफरत थी मुझे श्रुति से, उसे कोई बात नहीं करता था। वो तो बस यही चाहती थी कि श्रुति को अनन्या से दूर करते। मैं उसे ऐसी हालत में नहीं देख पा रहा था, मैंने उसे प्रॉमिस कर दिया कि मैं उन दोनों को अलग करके ही रहूंगा। उस दिन स्कूल में मैंने श्रुति को घर आने के लिए मना लिया। थैंक्स मिपी, व्हाट थैंक्स, एक बार घर तो पहुंचो, देन आई विल शो यू माय रूम, यू विल लव इट। मुझे पता था कि श्रुति के पास एक फोन था, भैया को भी बता चुकी थी। सर श्रुति और नीति को घर के बाहर छोड़ने के बाद एक गाड़ी लेके आगे चला गया, फिर एक सिग्नल पर जब गाड़ी रुकी तो मैंने श्रुति के बैग से उसका फ़ोन निकाला, उसके फ़ोन को तोड़कर मैंने टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया सर। और फ़ोन फेंकने के बाद मैं घर पे आ गया वापस, नीति मेरे लिए वेट कर रही थी।
प्लान था श्रुति को डराकर अनन्या से दूर करना। अनन्या सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड होगी, सिर्फ मेरी और किसी की भी नहीं। कैसा भाई है रे तू, ऐसे मदद की अपनी बहन की, ये करके तूने अपनी और अपनी बहन की दोनों की जिंदगियां बर्बाद कर ली। अब जिंदगी भर जेल में सड़ोगी, हत्या करना, सबूत छुपाना, ये सारे के सारे चार्जेस लगेंगे तुम्हारे ऊपर। एक दोस्त को पाने के लिए दूसरे दोस्त को मार दिया। जहां माँ बाप की उपेक्षा की वजह से श्रुति का जीवन नष्ट हुआ, वहीं ज्यादा लाड प्यार ने नीति की जिंदगी तबाह कर दी। अपनी छोटी बहन का मार्गदर्शन करने की बजाय जय अपराध की राह पर उसके साथ चल पड़ा, और अपराध की आड़ में पनपने वाला प्यार प्यार नहीं होता, भ्रम होता है। अपने बच्चों को उचित प्यार दें, उनका मार्गदर्शन करें, उन्हें समय देकर उनकी समस्याओं को समझें। याद रखें, हमारे बच्चों का भविष्य हमारे अपने हाथों में है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।